ज़्यादा वोटर लिख है इस गांधरबल का, अगर ये चुनाव दो चार जो सूखे हैं इनको काटा जाए तो हमारा दीरीना जो मास्ता है रोड राइडिंग का थोड़ा उसे काम हो जाएगा। हमने एफर्ट्स लगाए बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ताउन मिला, ये जो चिनार्स हैं ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं, मुझे लगता है दो या तीन दिन तक हमारे डीएम साहब नए आए हैं तो वो परमिशन हमें ग्रांट करेंगे तो हम इन पे कटिंग शुरू करेंगे। क्योंकि ये रास्ता जो कभी इसमें एम्बुलेंस भी फंसती है, कभी थाने वालों की गाड़ी भी, कभी डीजी साहब की गाड़ी। वेडिंग हम नहीं कर सकते, इतना पैसा हमारे पास बजट में नहीं है, लेकिन जो भी इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से सुरक्षित बनाए गए हैं, चाहे प्राइवेट लोगों ने बनाए हैं, चाहे अवकाश वालों ने बनाए, वो हटने जा रहे हैं और वो हटेंगे इंशाल्लाह, मुझे लगता है एक महीने के अंदर अंदर सब। ये कह रहे हैं कि हम ये हटाएंगे, ये हटाएं, अब जो मैं यहाँ के लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके उनकी प्लेसमेंट कौन देगा? नहीं नहीं जस्ट जस्ट मिनट, उनको प्लेसमेंट देंगे? ये MBA के करीब यहाँ पे काम कर रहा है, इसको प्लेसमेंट कौन देगा? ये कह रहा है इलीगल, इलीगल तो हमने नहीं बनाई, परमिशन कौन दे रहा है? एक साल हो गया स्विच नहीं लगा पा रहा है, हटाने आ रहा है इधर, इसको पता नहीं क्या हटाना है क्या बचाना है इसको पता नहीं। मैंने MBA किया है, मेरी शॉप यहाँ पे है सिंस 1950, दुकान यहाँ पे बनी है ये वाली, तब से लेके यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कुछ दुकानें हटाएंगे जस्ट मिनट, उनको रोड वाइडिंग कहेंगे, कुछ दुकानें हटाएंगे, मुझे पता अगर ये दुकानें हटाएंगे ये चुनाव हटाएंगे इसे कोई मकसद है? चिनार के काटने के हवाले से जब हमने गांधरबल के एक मुअज्जज शहरी जो यहाँ टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी रहे हैं उनसे इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा, नायब अली गुजारिश यह है कि यह गांधरबल काल पेट रोड राइडिंग मसल ये घंटस घंटस लगान जाम डीएफओ ऑफिस पे तकरीबन छे थान सोलमलस ताम लगान बराबर अख घंटा ये जन ये पे लाल चौक तान दून घंटे लगान ये कि बोटल नेकस ये प्रॉब्लम से कर ये दोन त्रेन जाएँ अम सब जाम ये बहुत हस्पताल रोडस नश खड़ा ये फोर वे रोड ये लुक चिनाई मोहतम ये गाड़ी आसान सुबह शाम बहुत अक्सर इतना यहाँ हस्पताल रोड है DC ऑफिस की तरह रोड है यूनिवर्सिटी की तरह पुराना रोड जो है और बिहार जाने वाला रोड है यहाँ घंटों गाड़ियों को पार करने में लगते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास इतनी सूरत नहीं है कि वो इस गांधरबल की वाइडनिंग करें, लेकिन हमारे पास एक थोड़ी सी आसान तरीका है जो हम गवर्नमेंट को बताना चाहें, यहाँ सड़क पे दो चार सूखे चिनार है इनको अगर काटा जाए तो हमारा धीरे ना बसता, यहाँ उतना जाम नहीं लगेगा, जाम में कम से कम एक घंटे का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता जो कभी इसमें एम्बुलेंस भी फंसती है, कभी थाने वालों की गाड़ी भी, कभी DG साहब की गाड़ी भी, यही ज़्यादा बोटलनेक है इस गांधरबल का, अगर ये चुनाव दो चार जो सूखे हैं इनको काटा जाए तो हमारा दीरीना जो मास्ता है रोड राइडिंग का थोड़ा उसे काम हो जाएगा। दूसरी बात है जो यहाँ से डाइवर्शन वहाँ आगे जाता है उससे भी रोड हमारा ब्लॉक होता है और वो भी उसमें भी घंटा लगता है और यहाँ से वहाँ पावर हाउस जाने में फिर तारमपोरा जाने में फिर बिहामा पहुँचने में गाड़ी को है वो फजूल एक घंटा ज़ाया होता है हमारा। अगर आंखें खोलेंगे हमारे ऑफिसर साहिबान जो इसमें मुंसलिक हैं तो वो इन चिनारों को काटे और ये डाइवर्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें और सड़कों पे पुलिस जो इतने भारी हमारे पास है, हमारे बच्चे हैं पुलिस में ट्रैफिक में, ये कंटिन्यू रोड करेंगे उतना जाम नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल होता है हमारे इलाके का बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन KMN में आपका खैर मकदम है, मैं हूँ साबिर। नाज़रीन इस वक्त हम गांधरबल के एक मसरूफ तरीन रोड पे खड़े हैं जहां हम देख रहे हैं कि अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम रहता है। इस ट्रैफिक जाम की वजह क्या है कि आज तक जो इन सड़कों की कुशादगी नहीं हुई है, क्योंकि ये वही सड़कें हैं जो 2007 में यहां जब जिला का दर्जा दिया गया था उस वक्त से आज तक उसी सिमत में दिखाई दे रही है। और जो इस वक्त बड़ी दिक्कत है वो यहाँ जो इस वक्त हॉस्पिटल का रोड जो जा रहा है दाएं साइड से, इसमें जो खड़ी चिनार है ये चार या पांच चिनार इस वक्त लोगों को दिक्कत बिल्कुल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि चिनार जो है ये कश्मीर की आन बान और शान है, लेकिन अगर यही आन बान और शान लोगों के लिए दिक्कत बन जाए तो इस दिक्कत को हटाना इंतज़ामिया का अवलीन फ़र्ज़ है।
ये चिनार जो है इनमें से दो तीन चिनार जो है वो सूखे हैं और इससे कभी भी एक बड़ा हादसा होने का खतरा लाहक है। हमने इस बारे में जिन लोगों से भी बात की है तो इसमें कोई ये राय जो हर एक राय मिलती है वो ये है कि इन तीन या चार चिनारों को काटने के बाद ही यहाँ का जो अबूर मरूर है, जो लोगों का चलने का सिलसिला है बगैर दुश्वारी के या जो ट्रैफिक की नकल हरकत है, इसमें फ़र्क पड़ सकती है और लोगों के लिए आसानियाँ हो सकती है। ये वो मसरूफ तरीन रोड है जहाँ न सिर्फ स्कूली बच्चों या मुलाजमीन को घंटों गाड़ियों में ही गुजारना पड़ता है बल्कि बीमारों को भी कहीं घंटों गाड़ियों में ही गुजारना पड़ता है। और अगर देखा जाए जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो खीर भवानी जाते हैं या जिनको यहाँ से लौटकर फिर अमरनाथ गुफा के लिए जाना होता है, वो भी यहाँ गाड़ियों में ही इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इंतज़ामिया देखे और ये जो तीन या चार चिनार है इन्हें काट दे ताकि जो हस्पताल जो मसरूफ तरीन रोड है जो बिल्कुल 24 घंटा यहाँ इसका जो आमदरफ है ये लोगों में बिल्कुल आसानियाँ पैदा कर सके। तो चिनार को काटने का अगर गवर्नमेंट ने और यहाँ की इंतज़ामिया ने कोई स्टेप उठाया है तो ये बेहतरीन वक्त है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। केमन के लिए गांदरबल से मैं मीर शौकत के साथ साबिर हूँ। मेरे इस रिपोर्ट के दौरान यहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हिलाल अहमद तांत्रे, इनका गुजर यहाँ से हुआ तो मैंने मुनासिब समझा कि इनको रोक कर इनसे बताएं कि आप फादर ऑफ टाउन हैं तो यहाँ की जो दिक्कतें हैं ये जो चार चिनार है इनसे जानेंगे कि क्या ये जो लोगों के उबर मरूर और ट्रैफिक की आमदरफ़ में आसानी पैदा करने के हवाले से यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या इकदाम उठाए हैं। शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें मौका दिया। चूँकि आपको पता है, मतलब पिछले महीने मैंने बात की थी, रमज़ान का महीना था, कि यहाँ पे जो इलीगल स्ट्रक्चर है, एक तो होता है इलीगल और एक अनऑथराइज्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ज़मीन पे जितनी भी दुकानें हैं वो हम हटाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ हमने एफर्ट्स लगाए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ताउन मिला, जो चिनार्स हैं ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हैं। मुझे लगता है दो या तीन दिन तक हमारे डी एम साहब नए आए हैं तो वो परमिशन हमें ग्रांट करेंगे तो हम इन पर कटिंग शुरू करेंगे। क्योंकि गांदरबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। सिर्फ एक मसला है कि जब हम पूरे वैली की बात करेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट से यही मिलता है कि गांदरबल जाने में जितना टाइम लगता है कहीं अनंतनाग से पुलवामा से, उतना फिर गांदरबल को क्रॉस करने में लगता है। वजह यही है कि एनक्रोचमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट है रोड पर। रोड वाइडिंग हम नहीं कर सकते, इतना पैसा हमारे पास बजट में नहीं है, लेकिन जो भी इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त बनाए गए हैं, चाहे प्राइवेट लोगों ने बनाए हैं, चाहे अवकाफ वालों ने बनाए, वो हटने जा रहे हैं और वो हटेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है एक महीने के अंदर अंदर सब ये होगा, आपको इंशाल्लाह रहमान गांदरबल में एक अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा जिससे लोगों में राहत हासिल होगी। जो भी यहाँ इलीगल स्ट्रक्चर्स है जो यहाँ आपने बता दिया कि अनऑथराइज्ड है, इनको पहले आपको नोटिस जरूर करनी है, क्या कोई नोटिस जरूर हुई है? देखिए, नोटिस वगैरह का जो मसला है, मैं बोलता हूँ नोटिस के पीछे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इतना मैं नहीं जाऊँगा। अगर हम देखा जाएगा अगर आपने गवर्नमेंट की ज़मीन कैप्चर की है, इसमें नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसने अपने ज़मीन में म्यूनसिपल एक्ट में आ रहा है कि अपने लैंड में इसने बनाया है और उसने परमिशन नहीं ली है, तब हमें उसको नोटिस देना है। जब ज़मीन भी गवर्नमेंट की है और ये घास चराई नहीं है, ये स्टेट लैंड है, घास चराई ज़मींदारों का हक होता है, लेकिन टाउन में उसमें भी एक एक्ट फॉल हो रहा है जिसमें वो भी हमें कोई वैल्यू नहीं रखता है। और इसमें हमने अपनी तरफ से कार्रवाई की है कि नोटिस हमने पहले दिए थे, इन्होंने स्टे किया था, फिर उसमें हमने फिर अपनी कार्रवाई की, वो हमने हटवाया। तो अब हम जा रहे हैं, एक्शन प्लान हमारा मुरतब हो रहा है और ये कब होगा क्या होगा वो हायर अथॉरिटीज हमें उस वक्त बोलेंगे तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे। इनदामी कार्रवाई अनकरीब शुरू होगी और ये जो ट्रैफिक में रुकावटें पैदा करने वाले जितने भी तजावीज़ात हैं इनको अनकरीब हटाया जाएगा। ये थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ के जो प्रेसिडेंट हिलाल अहमद तांत्रे जो के एम एन से बात कर रहे थे। सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो ये कंजेशन है ट्रैफिक का ये हटना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो इलीगल है वो हटना चाहिए। मुझे आप खुदारा एक बात बताओ, यहाँ से रोड जिस वक्त हॉस्पिटल का रोड निकाला है, यहाँ से एक लाइन आती है, यहाँ से एक लाइन आती है। आप देखो ये फोर वे आता है, आप फोर वे से देखो, अगर आप ये 1000 फुट 20 स्क्वायर फुट के 2000-4000 फुट 20 स्क्वायर, उसके बाद कंजेशन कामयाब नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये चिनार भी हटाएंगे उसके साथ भी कंजेशन कंटिन्यू रहेगा। आप देखो लाल चौक वहाँ पे क्या हो रहा है, उस वक्त अगर ये कह रहे हैं कि हम ये हटाएंगे, आप जो मैं यहाँ के लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे,
उनके उनकी पनिशमेंट कौन देगा? नहीं नहीं जस्ट जस्ट मिनट, उनको पनिशमेंट देंगे? ये एमबीए कह कर यहाँ पे काम कर रहा है, इसको प्लेसमेंट कौन देगा? ये कह रहा है इलीगल, इलीगल तो हमने नहीं बनाई, परमिशन कौन दे रहा है? आप यहाँ जाओ, अभी हम चौक में जाओ, यहाँ पे आएगा नेशनल काउंसिल जाते आगे वो जस्ट जस्ट मिनट, नहीं नहीं चिनार यहाँ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके अपोज में है वो, पता नहीं किसकी बिल्डिंग है, उसने उसने तीन तीन पूरा बिल्डिंग बनाई है, उसको परमिशन किसने दी? एक साल हो गए स्विच नहीं लगा पा रहा है, हटाने आ रहा है इधर, इसको पता नहीं क्या हटाना है क्या बचाना है, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, ये हटाना चाहिए। मैंने एमबीए किया है, मेरी शॉप यहाँ पे है सिंस 1950, दुकान यहाँ पे बनी है ये वाली, तब से लेके यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और ये जमीन जो यहाँ से गई है ना, ये हमने छोड़ी है दूधरमा वालों ने, जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया है और जहाँ पे वो इलीगल सब कुछ काम हुआ है, कॉम्प्लेक्स बनाया है, इन्होंने पैसे खाए हैं। अब ये यहाँ हटा रहे, ये यहाँ पे 100 बंदे अपना रोजगार कमा रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? कह रहा है कि कुछ दुकानें हटाएंगे, जस्ट मिनट, उनको रोड डिवाइडिंग कहेंगे, कुछ दुकानें हटाएंगे, मुझे पता, अगर ये दुकानें हटाएंगे, ये चुनाव हटाएंगे, इसे कोई मकसद है, कोई वे आउट है? ये हटाएंगे, यहाँ आगे क्या है? ग्रेवयार्ड है, ये कहाँ जाएगा फिर, ये कहाँ से जाएगा? कोई मुझे मकसद है? अब ये चुनाव हटाएंगे, ये तो ये वो चुनार है कि जो ग्रीन यहाँ गांधरबल की है, ये तो खत्म हो जाएगी फिर यहाँ पे। अब मुझे बताओ, अगर ये चुनार उठाएंगे, उससे मुझे मकसद क्या है? यहाँ जो क्या नाम रोड निकला यहाँ से, मुझे बताओ कि कंजेशन तो आ रहा है ना, इधर से भी गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, कोई सोल्यूशन? अपनी दिमाग, हमारा दिमाग मतलब आप खुद ही देखो कि यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ब्रांच चल रहा है, वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी, अगर ये ट्रैफिक वाले यहाँ नहीं होते, आप